25 seconds. PS2 VSPP open. Minus 20 seconds. PS1 ignition aarambham. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतरग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। द रॉकेट फ्लाइंग फोर्थ following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage, S-139. Ground lit strap-ons separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैपॉन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैपॉन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। एयर लेड स्ट्रैपॉन सेपरेटेड। जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है, स्ट्रैपॉन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। प्लस 2 मिनट्स। द्वितीय चरण जो कि तरल लोधक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per payload second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। व्हीकल इन कंबाइंड होस्टिंग फॉर एप्रोक्सीमेटली 200 सेकंड्स डिस्ट्रॉयज द यूनिवर्स व्हाइल द एनर्जी ऑफ सन आफ्टर हैविंग फिल्टर्ड बाय द एटमॉस्फेयर इज अवेलेबल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ अर्थ द एक्सप्लोसिव फेनोमेना इन सन एंड द सोलर फ्लेयर्स आर अ कॉज फॉर कंसर्न टू द स्पेसक्राफ्ट एंड ह्यूमन स्पेस मिशंस. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of PSLV. It is approximately 900 seconds. Confirm kiya gaya hai Fiji telemetry station se. Isme yaan mein hone wale twaran ke badlav ko mapa jata hai.
और इससे पता लगाया जाता है कि यान के इंजन में शुरुआत हुई थी या नहीं, और इसकी पुष्टि कर ली गई है। लेकिन अभी भी यान हमारे दृष्टि से बाहर है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है, लेकिन इसकी यात्रा अभी जारी है। और अब हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह पूर्वानुमानित पथ दिखाया जा रहा है, यह अनुमानित पथ है। ग्राउंड स्टेशन से पुष्टि होने के पश्चात यहाँ पर इसकी पुष्टि की जाएगी। आज 11 बजकर सो द ग्राउंड ट्रेस फॉर द फ्लाइट वाज बीइंग अपडेटेड बाय एक्सट्रापोलेशन। फोर स्टेज इंजन स्टार्टेड फॉर बैंड टू। यहाँ अभी अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की, चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह पुनः प्रज्वलन है PS4 का कोस्टिंग फेज के पश्चात। यह वास्तविक समय पे हमें यहाँ आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं कुरु स्टेशन से। Very happy piece of news here. Range operations director has confirmed the second burn commencement for the PS4 stage. Around 14 more minutes to go for the spacecraft injection. वर्तमान में आरओडी ने घोषणा की। First stage thrust cutoff after band 2. अब चतुर्थ चरण को बंद कर दिया गया है, अब उसका थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है और वह बंद हो चुका है। इंजेक्शन कंडीशंस आर अचीव्ड। और इसके भी पुष्टि हो चुकी है कि आदित्य L1 के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। We are now eagerly awaiting the injection of the satellite as we have the confirmation from the range operations director that the thrust cutoff for fourth stage of PSLV has been achieved. But the correct orbital parameters at the time of injection are of prime importance. अब तक कुल 22 सौर मिशनों को नासा, ईसा, जर्मन और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 मिशन अकम्प्लिश्ड, हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर। एंड वी हैव अ कंफर्मेशन ऑफ आदित्य L1 सेपरेशन, द मिशन हैज बीन अकम्प्लिश्ड। Aditya L1 satellite into the desired intermediate orbit. PSLV C57 Aditya L1 mission is accomplished.